और अगली बड़ी खबर भोपाल से ही आपको बता देते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। कोरोना स्वास्थ्य संगठन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। कोरोना काल में अस्थायी सेवा इन्होंने दी थी, संविदा में भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के बाहर धरना दिया। कोरोना स्वास्थ्य संगठन के बैनर तले ये तमाम स्वास्थ्य कर्मी धरना दे रहे हैं। इन्होंने कोरोना काल के दौरान अस्थायी रूप से अपनी सेवाएं दी थी, अब इनकी मांग है कि इन्हें संविदा के तहत भर्ती किया जाए। संवाददाता अंकुर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, संविदा में भर्ती करने की मांग कर रहे हैं कोरोना स्वास्थ्य संगठन के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कोरोना संक्रमण काल में 6000 इन कर्मचारियों को अस्थायी रूप से काम पे रखा गया था। जब कोरोना का संकट दूर हो गया तो इन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, क्योंकि अस्थायी रूप से इनको रखा गया था और इनका जो पारिश्रमिक था वो दे दिया गया। लेकिन अब ये पूरा हक जमाने लगे। इनका कहना है कि हमने जब कोरोना संक्रमण काल में अपना सेवाएं दी है तो हमें अब संविदा पर रखा जाए। इसी को लेकर आज उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पीयूष राम चौधरी के निवास पर कुछ देर तक धरना दिया और बाद में वहां ज्ञापन देने के बाद रवाना हो गए। निश्चित तौर पर अब वो चाहते हैं कि अगर हमने संक्रमण काल में सेवाएं दी हैं तो हमें संविदा पर नौकरी पर रखा जाए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब दबाव बना रहे हैं ये स्वास्थ्य कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में अस्थायी रूप से अपनी सेवाएं दी थी, उनका कहना है हमें संविदा में नियुक्ति दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी देने के लिए। Gracias.